वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा छोटी सी बात दी थी है। लोग भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, उपवास करेंगे, बड़े बड़े कष्ट सहेंगे, बड़ा तप करेंगे, बड़ा त्याग करेंगे, कल्याण होगा। ये सब बातें ठीक है, सच्ची, परंतु केवल इस बात का भी ख्याल कर ले कि भाई जितना हमारे कर्जा है उनको हम उतार दे तो मुक्त हो जाए। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया, भगवान ने कब की करी करुणा नर दे देत ईश बिन हेतु स्ने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसके हम कृतज्ञ बन जाए। वाह वाह, गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, महाराज आपने कृपा करके और ये मानव विभुत दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ ऐसा मनुष्य दिया, ऐसो को उदार जग माए, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को उदार, बिना सेवा जो द्रवे दीन पर
बिना कुछ किए कृपा करते ही भगवान, इनके समान हित करने वाला कोई नहीं। माँ बच्चे का पालन करती है, बच्चा क्या निहाल करता है आज सोचें। सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं देता है भगवान, सोचो आप। ये बहना और भाई आप जितने हम लोग बैठे हैं सबका पालन माँ ने किया, कितना वो सहती है। ये भाई लोग मिजाज करते हैं कि घर में बैठी क्या काम करती है, हम काम करते हैं बाहर से कमा कर धन लाते हैं काम करते हैं, ऐसी मिजाज करते हैं। एक दिन इसके गोदी में बालक दे दिया जाए कि आज दिन भर तुम रखो, आज भर रात रखो, पता लग जाएगा क्या करती है, क्या पता लग जाएगा क्या करती है। नहीं रख सको, पिता शांत हो जाते हैं तो बालक को पता नहीं लगता कि हमारे बाप चले गए, माँ है, पता ही नहीं लगता। और माँ मर जाए तो बहन को पहुंचा होगा, कभी उसकी नानी के वहां पहुंचा होगी, क्यों महाराज आप कुटुंब में रखो, आप पालन करो, नहीं कर सकते आप। इतना माँ सहती है, पिता भूल जाते, याद ही नहीं है। माँ सब कुछ सह लेती है, इस बार माँ को पृथ्वी का स्वरूप दिया है। पृथ्वी लात सहती है, पेशाब सहती है, टट्टी सहती है, तूप सहती है, कभी कुछ नहीं कहती, ऐसे माँ का स्वभाव। वो सब सहती है, पालन करती है, दाई का काम, नाई का काम, धोबी का काम, दर्जी का काम, मैतर का काम माँ करती है, और गुरु का काम, शिक्षा का काम माँ करती। बड़े से बड़े जो गुरु महाराज होते हैं वो काम करती है, माँ करती है। ऐसे छोटे से छोटा काम टट्टी पेशाब उठाना वो माँ करती है, कौन सा ऐसा काम वो माँ नहीं करती। तो माँ से बढ़कर भगवान है, आपके कर्मों का सब प्रबंध करते हैं, इनमें ऐसा कौन रखेगा। और वो भगत पर बड़ी कृपा पूर्व होगा था भूता से, आपका ख्याल नहीं होता है। मेरी बात सुने, मैं इस वास्ते कहता हूँ कि मेरे को ख्याल नहीं था, इस वास्ते मैं जानता हूँ आपको भी ख्याल नहीं है। मनुष्य तो अपने पटरी अटकल लगाते, और क्या पता है उसको। उन्होंने कितनी कृपा की है, अपनी तरफ से कृपा की है। आपके कर्मों का प्रबंध, कब आपने पाप किए थे, कब पुण्य किए थे, कैसे किए थे, कितने बाकी है, सब ठीक हिसाब से आपको सब भुगताते हैं। वो तो कैसे भुगताते हैं जो मैं अब बात करता हूँ, उस तरफ ख्याल नहीं जाता। आप देखते हैं कि हमारे पापों का फल दुख मिला है और पुण्यों का फल सुख मिला है, ये बात नहीं है। इस तरह ख्याल बहुत कम जाता है। सुख मिला है वो अनुकूल परिस्थिति मिली है, दुख मिला है वो प्रतिकूल परिस्थिति मिली है। ये दुखदाई और सुखदाई जो परिस्थिति मिली है ये केवल आपके कल्याण के लिए मिली है, सुख दुख का फल भुगताने के लिए नहीं है। यही तनुकर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। सुख दुख भोग ये मनुष्य शरीर का फल नहीं है। दुख भोगना हो तो नरक में चले जाओ, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में चले जाओ, और सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आ जाओ। अनुकूल परिस्थिति मिली है सेवा करने के लिए। आपके धन है, संपत्ति है, वैभव है, विद्या है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, जो मिला है वो मिला है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए। सेवा मनुष्य कर सकता है, देवता नहीं कर सकते इतनी।
पशु पक्षी क्या सेवा करेंगे, 84 लाख सोने के बीच पड़े हुए जीव क्या सेवा करेंगे, नरकों में महान यातना भोगने वाले क्या सेवा करेंगे। सेवा मनुष्य का संता है। 3 लोगों में बीच में मनुष्य रखा, क्यों ये सेवा करेगा, बीच के मनुष्यों की करे, स्वर्ग आदि देवताओं की करे, नरकों में पड़े जीवों की सेवा करे, सबकी सेवा करे। जीते ही सेवा करे ऐसी बात नहीं, मर जाने पर श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंड दे, उनके नाम से जप पाठ करे, भागवत आदि कथा करावे, मरने की बात ये मनुष्य करता है। तो मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है, तो आपके सुखदायी परिस्थिति मिलती है उसका अर्थ है कि सबको सुख पहुंचाओ, धन मिला है तो आप कब्जा कर लो और अकेले मालिक बनकर बैठ जाओ, ये अन्याय है, न्याय नहीं है। फिर कहता हूं आप ध्यान दें इस बात पर, आप जो धनी कहलाते हो, बड़े धनी है साहब, आपने तो यू मालिक या हम धन कमाए, हमारे पास धन है, इस बात हम धनी है, झूठी बात है। गांव भर में आप 1 लखपति हैं, दूसरा कोई नहीं है, शतपति सहस्त्रपति ऐसे मामूली आदमी। उस गांव में आप लखपति बड़े धनी कहलाते हो, पर तो आपके सिवाय सबके सब करोड़पति हो, तो आपके लखपति पने का नाम होगा, कुछ आपकी महत्ता होगी क्या। मेरी बात का ध्यान देकर आप सुने, उस पर ख्याल करें, सबके सब करोड़पति, आप 1 लखपति है, तो लखपति होने का अभिमान आएगा, बड़प्पन आपके अनुभव में आएगा, तो हम लखपति है। तो लखपति का जो सुख है वो बेचारे निर्धन आदमी ने दिया है, धनवानों ने नहीं दिया है। धनवान तो बेइज्जती करते, फजीती करते तुम्हारी, सब जितने करोड़पति है सबके सब इज्जत करते हैं क्या, इज्जत कौन करता है, आपकी इज्जत करते हैं गरीब आदमी। तो गरीबों के ऋणी हो बाबा, वो ऋण चुका दो, मुक्ति हो जाएगी, उनकी सेवा करो। अभिमान करते हो हम धनी है साहब, आप धनी तो कोई निर्धन है तब हो ना, निर्धन ना हो तो आपके धनी का क्या है। ऐसे हम पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तो पढ़े लिखे की महिमा मूर्खों से है, आपसे अधिक अधिक पढ़े हुए सब हजारों हो तो आपकी पढ़ाई कुछ मूल्यवान होगी, तो पढ़ाई पर पढ़ाई करने का आपको जो महत्व दिया है वो अपड़ आदमी ने दिया है। ऐसे आपके पास बल है, उस बल का जो सुख पाते हो, हमारे पास राज्य है, हमारे पास फौज है, अस्त्र बल है, शस्त्र बल है, विद्या बल है, बुद्धि बल है, हमारे पास बल है, वो बल आपका बड़ा किससे है कि निर्बल से है, आपसे अधिक से अधिक बलवान है, उन बलवानों में आप बलवान कहलाओगे। ऐसे आप हिसाब लगा सब बात, आप बड़े हो, आप बूढ़े हो, बलवान हो, धनवान हो, विद्वान हो, कोई पद पर आप नियुक्त हो गए हो, राजा महाराजा हो गए हो, मिनिस्टर बन गए हो, किसी विषय में आज बड़े बड़े ऊंचे पद को प्राप्त हो गए हो, तो वो पद लेकर के ऊंची पड़े को लेकर के आप बड़े हो ये बात नहीं है, पर इधर ध्यान नहीं जाता है, वो समझते हैं हम इतने ऊंचे पद पर है, विश्वास है, तो आप पदारूढ़ दूसरे नहीं है, आपसे दूसरों को सबको पद ऊंचा मिल जाए उस समय आप पद की क्या इज्जत रहेगी। तो जितना आप सुख भोगते हो, ऊंचे कहलाते हो, ये सब ऋण है छोटों का, छोटों ने आपको बड़ा बनाया है। ध्यान दें आप लोग, मैं अभी विचार करूं तो मैं सुनाने वाला हूं, तो सुनाने वाले का दर्जा ऊंचा नहीं है, सुनने वालों का दर्जा ऊंचा, सुनने वाले नहीं हो तो भीत को दीवार को सुनाएंगे,
सुनना है। सुनने वाले तो कई जगह सुन लेंगे, मगर सुनाने वाले तो सुनने वाले मिलेंगे तभी सुनाएंगे, नहीं तो कैसे सुनाएंगे। आप ख्याल नहीं करते हो, सुनने वाले मालिक, सुनाने वाला है नौकर। कैसे कि सुनाने वाले को भक्त पर हाजिर होना ही पड़ेगा, सुनने वाले हाजिर हो गए ना, आवे देरी से आवे जल्दी आवे ना आवे तो मालिक है, पर सुनाने वाले को तो हाजिर होना पड़ेगा। मैं तो ईमानदार, अगर ईमानदार है तो नहीं बेईमानी का तो बात नहीं आ रही, उसको सुनाना पड़ेगा। आप उठ करके इधर पानी पी लिया, वहां जाए वहां देख लिया, इधर देख लिया, इधर देख लिया, ऐसे आप स्वतंत्र हो। मैं इधर देख लू भूल जाऊंगा कहना, कैसे कहूंगा। तो सावधानी मेरे को ज्यादा रखनी पड़ेगी कि आपको, तो नौकर को ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती। मालिक राजी कैसे हो, कैसे प्रसन्न हो, तो बड़ा कौन हुआ। रामायण में है श्रोता भक्ता ज्ञान निधि की सकता राम की गूढ़। श्रोता भक्ता, भक्ता का दो नंबर है, एक नंबर श्रोता। वक्तु रे भाई तत्जाडी में श्रोता यत्रण बुद्धि थे, जहाँ सुनने वालों को ज्ञान नहीं हो तो वो कहने वाले की मूर्खता है। यानी सुनने वाले क्या मूर्खता, वो दोनों कान सामने करके बैठ गए, सुना हुआ हमें, उनका क्या कसूर है। हम कहते कैसे मूर्ख, हमारे पास समझते नहीं, तो नहीं समझते क्या उलाना देते हो। आप पहले ही बेसमझ होकर के आपको ऊंचा बना करके सुनने लग गए, अब क्या उलान देते हो। आप समझा तो सके नहीं, उलाना देते उनको, तो ये जड़ता आपकी होगी इनकी हुई। ये जो आप अभिमान करते हो हमारे भैया मुकुण है ऐसा है ऐसा है, महाराज ये सब दुनिया का दिया हुआ है। अगर उनका ऋण सबका उतार दो, सबको प्रसन्न कर दो, तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्या कल्याण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। ये बेईमानी से कल्याण रुका हुआ, ईमानदारी से मुक्ति हो जाए। बेईमानी बेईमानी से हो, ठीक तरह से जिनका उपकार पाया है उनकी सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। ये पंढरीनाथ भगवान है, दक्षिण में पंढरपुर में क्या था, एक पुंडलिक था, वो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा था, तीर्थ यात्रा में गया। तीर्थ यात्रा में देखा माँ बाप के भक्तों को, तो पीछे आकर माँ बाप की सेवा में ही लग गया रहा था। दिन हरदम सेवा करे माँ बाप की, तो इतनी तत्परता से सेवा करे भगवान खुश हो गए। कभी वो किसी सेवा करता है रातों जगता है, माँ के काम पड़े तो, पिताजी के काम पड़े तो, कुछ परवाही नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं कि मेरे चमड़े की जूती करार पहना दो माँ को, उसको पूछे चमड़ा दवा बाजार मिलता है, तो माँ का ही है। अब माँ की चीज माँ को दे दी, अभियान करता है मैं ऐसा कर दू क्या कर दू, मिलता है कहीं बाजार में ये शरीर ये चमड़ा, ये तो माँ का है। माँ के शरीर से ये शरीर निकला, माँ के दूध से ये पाला, माँ की शिक्षा से ये शिक्षित हुआ, कुछ ख्याल नहीं पशु के तरह का। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी के बच्चा जन्म है, ऐसे जन्म आपका हमारा हुआ। गांव में रहने वाले बेचारे जैसे है वैसे ही बच्चे होंगे, पढ़े लिखों के पालकों के बालकों वे भी वैसे होंगे। तो माँ बाप माँ पर होता है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा होगा, वो स्वभाव आता है, बोलना चलना सब माँ सिखाती है। तो माँ का कितना उपकार है। अब उनकी तत्परता से सेवा करो अच्छी तरह से, भगवान खुश हो गए, दर्शन दिया, पीछे आकर खड़े करे
तो पुंडरीक में आ गया हूँ, कौन के मैं खास विष्णु भगवान स्वयं आया हूँ, क्यों आए दर्शन देने के लिए? तू देख ले महाराज मेरे को भगत नहीं है, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, भगत नहीं। ईंट थी फेंक दी, इस पर खड़े हो जाओ, पंडरपुर में ईंट पर खड़े ठाकुर जी, ऐसा भक्ति दी हुई ईंट विठल भगवान विठल ईंट के ऊपर खड़े हो, विठल 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 जब करते कहते हैं तेरे को भगत नहीं, मैं आया हूं तो क्यों आए साहब आप? कहते माँ बाप की भक्ति विश्वास है तो माँ बाप की भक्ति से बिना बुलाए आप आ जाते हो तो कीमती माँ बाप की भक्ति हुई आप हुए।